अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैकडॉनल्ड्स स्टाइल चिकन नगेट्स बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। क्योंकि बायकॉट चल रहा है तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है मैकडॉनल्ड के नगेट्स की तो मस्ट ट्राई आउट दिस रेसिपी, इट्स गोना टर्न आउट अमेजिंग। चिकन नगेट्स की एक रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगी। तो चलिए आज हम अपनी इस मैकडॉनल्ड्स स्टाइल नगेट्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ के जी चिकन ले लिया है और इसको हमने रैंडम सा कट करके अपने चॉपर में ऐड कर दिया। इसका हमने कीमा बनाना है। आप चिकन मिंस भी ले सकते हैं या आप इसको नॉर्मल ब्लेंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर ना हो तो। ये टेक्सचर होना चाहिए आपके कीमे का। उसके बाद इसको हमने बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, इसकी जगह आप पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, देन ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर, सम चिकन पाउडर एंड बेकिंग पाउडर। इसके बाद बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर 3 टीस्पून ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक इसका मेन इंग्रेडिएंट रह गया था, वो हम अब ऐड करेंगे, दैट इज़ मायोनीज। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपका मायो ऐड होगा। मैंने पहले थोड़ा सा ऐड किया था, फिर और ऐड करके इसको मिक्सअप कर लिया अच्छे तरीके से। आपकी जो इसका बैटर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट जाएगा। जब आपका ये बैटर सॉफ्ट बनेगा तो आप जब नगेट्स बनाएंगे वो अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार होंगे। इसको साइड पे रख लेंगे। कोटिंग के लिए हमने 1/2 कप ले लिया है मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया और वही बेसिक से स्पाइसेस रिपीट कर देंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड रेड पेपर। इन सबको हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्सअप, क्योंकि ये हमारी कोटिंग को बहुत मज़ेदार बनाएगा। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि थोड़े से अपने हाथों को ग्रीस कर लेना, क्योंकि हमारा जो चिकन का बैटर है वो थोड़ा सा स्टिकी होगा। ऑयल से आप ग्रीस कर लें या घी से, किसी भी चीज़ से आपने अपने हाथ को ग्रीस कर लेना तो आपके नगेट की शेप बहुत अच्छी आ जाएगी। मैं थोड़ा मोटा और बड़े साइज़ का बना रही हूँ, आप चाहो तो इससे पतला जैसा मैकडॉनल्ड का होता है थोड़ा लेस क्वान्टिटी में चिकन लेकर भी बना सकते हो। ऐसे अब इसको हम अपनी प्रिपेयर्ड कोटिंग के ऊपर कोट करेंगे और इसको साइड पे अपनी प्लेट में रखते जाएंगे। सिमिलरली हमने अपने सारे के सारे नगेट्स ऐसे ही प्रिपेयर करके रख लेने हैं। 1/2 kg में मेरे ये 16 नगेट्स बन गए थे, दैट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। अब इसको हमने 20 मिनट्स के लिए रखना था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। जब जो बाकी हमारी लेफ्ट ओवर मैरिनेशन थी उसके अंदर हमने पानी डालना है और उसका एक रनी कंसिस्टेंसी बना लेनी है। ये यहाँ पर मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और इसको फिर से मिक्सअप कर लिया। थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में होगा तो ही अच्छा है। अगर आपको फ्लेकी थोड़ी सी इसकी कोटिंग चाहिए तो यहाँ पर आप इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। हमारी कोटिंग रेडी है। अब अपने नगेट को हमने इसके अंदर कोट करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो वो बहुत सख्त हो जाएगा। आपने इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना, आपने बस इतना गाढ़ा करना है कि ये आपके नगेट के ऊपर स्टे करे। ये देखिए, बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना तो वो बहुत ही ज़्यादा रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। इसको हम अपने स्लाइड से गर्म किए हुए ऑयल में डाल के अब फ्राई कर लेंगे। सारे के सारे नगेट्स को हमने ऐसे ही फ्राई कर लें। इनकेस अगर आपने सारे नगेट्स एक साथ फ्राई नहीं करने, आप थोड़े कम बनाना चाह रहे हैं तो आप उसकी ड्राई कोटिंग करके उसको फ्रीज़ कर लें और जो आपका मैदे वाला मिक्सचर है जो आपने कोटिंग के लिए बनाया था उसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख लें और जितने भी आपने बनाने हो आप उनके अकॉर्डिंग उतना मटेरियल लें, उसकी स्लरी बनाएं, उसमें डिप करके फ्राई कर लें। फ्राई होके आपके नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची आउटसाइड से हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट एंड जूसी हैं। मस्ट ट्राई आउट दिस रेसिपी और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यू गाइज मस्ट गोना लव दिस रेसिपी। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़।